সবাইকে একটা প্রণাম থ্যাংক ইউ সো মাচ একটা গান গিয়ে দিই তাহলে রং দে তুমোহে গেরুয়া बॉलीवुड में अपनी दर्द भरी आवाज से एक अलग पहचान बनाने वाले सिंगर अरिजीत सिंह वैसे तो अपने गानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस समय गायक अरिजीत सिंह एक विवाद के कारण सुर्खियों में हैं। अरिजीत सिंह का कोलकाता में होने वाला कॉन्सर्ट एक सरकारी निकाय द्वारा रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद भाजपा नेता ने इसमें एक राजनीति रंग जोड़ दिया है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि अरिजीत सिंह का शो इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी के सामने शाहरुख खान का गाना गेरुआ गाया और वह इससे डर गई हैं। सबाई के एक प्रणाम थैंक यू सो मच एक गान गे दी ताले रंग दे तुमोहे गेरुआ। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, अमिताभ बच्चन ने कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल में नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जगह कम होने की बात कही थी। अरिजीत सिंह जिन्होंने मंच पर ममता बनर्जी के साथ रंग दे तू मोहे गेहुआ गाया था, पता लगा है कि इको पार्क में उनका शो HIDCO एक सरकारी निकाय WB द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब इस पर पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि अरिजीत सिंह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि G20 कार्यक्रम भी उसी क्षेत्र में निर्धारित है। हमारे इस समय G20 सम्मेलन चल रहे हैं। अब हमारे इको पार्क हुआ पर G20 प्रतिनिधि सब आएंगे, हमारे उसके ऑपोजिट में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर भी G20 का सम्मेलन होगा, इसलिए वहाँ पर कोई आयोजन करना ठीक नहीं है। उसके ऊपर इको पार्क में भारी संख्या में दर्शक आ रहे हैं, हजारों हजारों दर्शक रोज आते हैं इको पार्क देखने के लिए। इस समय पुलिस ने यह महसूस किया है जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो सकता है, वो हैंडल नहीं माने उसको हैंडल करना समस्या होगा, इसलिए कोई बड़ा फंक्शन वहाँ पर करने नहीं दे रहे। सलमान खान का भी वहाँ पर प्रोग्राम था और अरिजीत सिंह साहब का भी प्रोग्राम था, और दूसरा है ना पुलिस परमिशन कोई हम आग्रह किया लेने के लिए, ना हमारे हिटको से कोई एप्लीकेशन आया है, इसलिए परमिशन कौन लिया हमें मालूम नहीं है, कैसे लिया मालूम नहीं है, मगर हिटको कोई परमिशन दिया नहीं। आपको बता दें कि अरिजीत सिंह का कंसर्ट 18 फरवरी को होने वाला था,